रॉनी नकुले निंजा चारों के चारों प्लेयर्स एंड इस लॉबी में घमासान मजाक। ओ हो, यहाँ पे दो टीम्स की फाइट तो शुरू हो चुकी है बट मैं जोन के लिए थोड़ा सरप्राइज हूँ। बट अभी के लिए माने उतरते एक प्लेयर को डाउन करेंगे ऑन द स्पॉट फिनिश फॉर एक और प्लेयर को डाउन कर चुके हैं। क्या उतरते दो फिनिशर्स यहाँ पे निकाल देंगे। ओहो, तीसरा भी प्लेयर को ये क्या देखने को मिल रहा है। टीम आइकोसोल उतरते यहाँ पे तीन फिनिशर्स अपने खाते में ग्रैब कर चुके हैं और तीनों के तीनों फिनिशर्स जो है वो टीम आइकोसोल के माने ने निकाले। एक अकेला वो लास्ट प्लेयर क्या कुछ कर पाएगा अपनी टीम के लिए, एट लास्ट कुछ नहीं कर पाएगा। और रॉनी ने फिनिश ऑफ किया उस आखिरी एंड लास्ट प्लेयर को और जैसे आइकोसोल ने वहां पे एक टीम को एलिमिनेट किया विद इन द सेकंड्स, शायद यहाँ पे टीम सेवनिंग का भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिले। सारंग यहाँ पे सामने बैठे हुए जरूर है। एजीओजी डाउन होते इन द ऑन द स्पॉटिंग का फिनिश ऑफ भी कंफर्म हमें देखने को मिल जाएगा और चाकू वगैरह से मार के फिनिश ऑफ किया जा रहा है। टीम आइकोसोल एक और टीम के ऊपर पुश करते हुए दिखाई दे रही है और क्या हो रहा है, इनके एक प्लेयर डाउन जरूर रहते नकुल बट फाइनली वो अपने कदमों पर दिखाई दे रहे हैं। और सॉरी, चारों के चारों प्लेयर्स में से एक भी प्लेयर यहाँ पे दोनों फाइट्स में एलिमिनेट नहीं हुआ। आठ फिनिशर्स टीम आइकोसोल निकाल चुके हैं धीरे धीरे करके, जिसके मैंने कहा था। देखिए आइकोसोल यहाँ पे आजू बाजू दाएं बाएं करके पूरा का पूरा घेरने की कोशिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं और हाँ, वो एक चक्रव्यूह बना चुका और घेराबंदी बना के यहाँ पे पूरी की पूरी तरीके से टीम वॉप को घेरा जा चुका है। और अब वो टीम को शायद उस प्लेयर को रिवाइवल मिल चुका है सॉरी, एंड अब वो टीम यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। लेकिन ये क्या, रॉनी के बारे में पता नहीं था, इन्फो नहीं थी कि हमारे पीछे भी दो प्लेयर्स हैं। पक्की से उड़ाया टीम वॉप के एक प्लेयर अपने घुटनों पर दिखाई दे सकता है और बाकी के तीनों प्लेयर्स बचे हुए जरूर है। चलिए टीम मेटिंग के ऊपर पुश किया जा रहा है, एक प्लेयर को डाउन करके थोड़ी सी यहाँ पे रेड की हड्डी में क्रैक यहाँ पे लाया जा चुका। ओह माय गॉड, एक और प्लेयर यहाँ पे डाउन एंड एक और प्लेयर फिनिश ऑफ। उनकी तरफ से भी ग्रेनेड आते हुए दिखाई दे सकते बट आइकोसोल के लिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। और ये देख लीजिए मान्या की तरफ से आती भी यहाँ पे घुटनों पर और अब टीम वॉप डैनियल वो अकेला वो लास्ट प्लेयर, अब एक अकेला और एक लास्ट प्लेयर। चलिए एक 1v4 का इक्वेशन एट लास्ट फिनिश ऑफ हमें देखने को मिल चुका है। मास्टर को फिनिश ऑफ किया गया, उसके बाद यहाँ पे डैनियल को भी नकुल की तरफ से एलिमिनेट किया जा चुका है। वो पीछे आ चुके हैं पोचिंग के एरियाज के आसपास में और मुदीत को अगर आप देखेंगे सेम हाउस के अंदर कहीं ना कहीं स्टे करने की कोशिश करेंगे। बट राइट साइड से आप देख लीजिए टीम आइकोसोल एक और टीम के साथ फाइट्स में यहाँ पे इंगेज होती हुई दिखाई दे सकती है। सॉरी जीडी के दो प्लेयर्स डाउन, टीम गॉडेल लोल्स के साथ यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो चुकी है। ओके, हर्ष को भी घुटनों पे डाला जाएगा और देख लीजिए अगर मैं गॉडेल लोल्स की बात करना चाहूँ तो पंक डाउन, उसके बाद यहाँ पे जो नूब थे वो भी यहाँ पे आपको डाउन दिखाई दे सकते हो। डम एक्चुअली नूब नाम नहीं था, लेकिन वो अकेला वो लास्ट प्लेयर फ्लॉक फर्स्ट एड्स का इस्तेमाल करेगा, पहले बैंडेजेस यहाँ पे यूज करता हुआ दिखाई दे सकता है। एक अकेला और आखिरी प्लेयर दारू पिएगा सर्वाइव कर रहे हैं। एक 1v3 का इक्वेशन दोनों टीम्स के बीच में, थोड़ा सा डैमेज हुआ है, फर्स्ट एड्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे लेकिन मौका नहीं दिया मान्या ने। 16 फिनिशर्स, इट्स लाइक वाव। पर आइकोसोल के तीनों के तीनों प्लेयर्स यहाँ पे ग्रेनेड का इस्तेमाल नकुल की तरफ से देखने को मिलता हुआ दिखाई दे सकते हैं। क्या लगता है आइकोसोल यहाँ पे फिनिश हो नहीं, गॉड है लोल्स के यहाँ पे, लोल्स यहाँ पे डाउन। मुदित राइट साइड से जाके एक एंगल ढूंढने की कोशिश करेंगे, रॉनी को यहाँ पे गिराना चाहते लेकिन अब पहुंच चुके हैं नकुल उनके खेमे में, डाउन ये नहीं कर पाए शायद। लेकिन इनका नॉक हमें मुदित की तरफ से जरूर देखने को मिल चुका है कि वो क्या करके सीट चेंज करके शायद फायर करना चाहते थे। और आइकोसोल के सिर्फ एक प्लेयर डाउन है, सोल रोनी की दो प्लेयर्स डाउन है, नकुल एंड मान्या दोनों के दोनों, रोनी एक अकेले प्लेयर बचे हुए हैं। लेफ्ट साइड में संचित आएंगे एंड एक अकेला और एक मात्र प्लेयर, चलिए घुस चुका हो बट फिलहाल चलिए कुछ ड्रॉप लोकेशन है रुइंस ट्रेलर पार्क, वहां तक पहुंचना थोड़ा सा हार्ड यहाँ पे हो सकता है बट एक्जैक्टली अगर मैं टीम्स की बात करना चाहूँ पहुंचना चाहे तो पहुंच सकते हैं। और उतरते ही निंजा ने हमने कमाल दिखा दिया, अगर आप ध्यान देंगे जो बोल्ट पॉट यहाँ पे डाउन हुए थे वो फिनिश ऑफ किए जाएंगे किसी और टीम के प्लेयर्स के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टीम नहीं उतरी है जोन के अंदर, आप ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लास्ट मुकाबले में जो कि आइकोसोल वर्सेस FY की फाइट हमें स्टार्ट में देखने को मिली थी, अगेन वो दोनों टीम्स की फाइट शुरू हो चुकी है। तीनों के तीनों प्लेयर्स अगेन अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे और ये कोइंसिडेंस है या फिर किस्मत है, जब वापस से वापस दो गेम बैक टू बैक दो टीम्स सबसे पहले एक दूसरे के साथ भिड़ जाती है। आइकोसोल के साथ एक फाइट से यहाँ पे छिड़ चुकी है, कौन सी टीम की, 4MF की। एक 3v4 की बैटल दोनों टीम्स के बीच में हो सकती है बट सबसे अभी आगे यहाँ पे मान्या दिखाई दे सकते हैं, नॉक डाउन किया जाएगा, ऑन द स्पॉट फिनिश ऑफ करने की कोशिश की जाएगी। और चलिए मान्या भी हमें घुटनों पे दिखाई दे सकते हैं, बहुत ही आगे थे, लाइक पुशअप होगा कैनरी की तरफ से और जल्द ही इनको एलिमिनेट किया जाएगा। लेकिन लेकिन नहीं,
नकुल उनके पास थे, हाँ नकुल ने वो काम किया, कैनरी को डाउन किया एंड उनका भी एलिमिनेशन कंफर्म। एक टीम सिनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं टीम आईक्यू सोल में दिखाई दे सकती है। जिससे एक प्लेयर डाउन हुए, दूसरे प्लेयर की एंट्री यहाँ पे हुई और निंजा बहुत ही करीब पहुंच चुके थे। जस्ट देख लीजिए सामने रीपर आए जरूर है। राइट साइड में एक और प्लेयर हमें देखने को मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं और अब फायर किया चाहेगा, अपने आप को बचाना चाहेंगे और आईक्यू सोल यहाँ पे फिनिशेस निकालना चाहती है। टीम कॉर्डेल यहाँ पे आपको जोन के सेंटर में दिखाई दे रही है जो कि मिल्टा का लोकेशन है एंड बाकी की टीम्स यहाँ पे लेफ्ट साइड के एरियाज में। चलिए वो चीज की मैं बात कर रहा था वो शुरुआत हो चुकी है। रॉनी आगे गए, एक प्लेयर को डाउन किया, ऑन द स्पॉट फिनिश ऑफ कर दिया। अब टीम एफआई के बाकी के तीनों प्लेयर्स अपने आप को बचा के यहां से निकलना चाहते हैं। रीपर को हालत देख लीजिए, वो एक प्लेयर है जो कि सबसे पीछे है। क्या ये गॉटलाई के पास तो नहीं पहुंच जाएगी मिल्टा के पास? हो सकता है। रीपर यहाँ पे उतरे, नकुल की तरफ से डाउन किया गया, जल्दी यहाँ पे एलिमिनेशन देखने को मिल सकता है और एम गॉट भी अपने घुटनों पे। वन फिनिशेस यहाँ पे रॉनी अपने खाते में दर्ज किए। जो एफआई के प्लेयर्स डाउन हो रहे हैं उसका फिनिश ऑफ यहाँ पे आईक्यू सोल के खाते में नहीं आ रहा है। टीएमजी के फ्रैंकलिन ने वहां पे एफआई के एक प्लेयर को फिनिश ऑफ किया था क्योंकि पीछे हटने का वक्त इनको मिलेगा नहीं। दूसरी ओर से टीम आईक्यू सोल को भी अब धीरे धीरे करके जोन के अंदर रीच आउट करना है जहां पे टीएमजी स्पोर्ट्स ऑलरेडी विराजमान है। चारों के चारों प्लेयर्स अलाइव, लेकिन दो फिनिशर्स खाते में। लेकिन आप देख लीजिए रॉनी सबसे आगे है, टॉड एच भी दिखाई दे सकते हैं, नॉक हमें देखने को मिलेंगे बैक साइड में। ट्रायआउट्स वो अकेला प्लेयर जो कि टीम नंबर 22 का, वो दिक्कतें देता है, वो दिखाई दे सकता है। लेकिन फर्स्ट यहाँ पे रॉनी बहुत ही करीब में, दूसरी और लेफ्ट साइड से नकुल भी एंट्री करने की कोशिश करेंगे। यशु यहाँ पे जस्ट फ्रंट में आपको स्पॉट किया जो आ सकते हैं। एचपी डाउन हुई, फटका शायद उनको लगा। यूटिलिटीज के नाम पे लाइक थ्रोएबल्स नहीं है, फर्स्ट एड्स नहीं है, क्या ये कुछ टीम कर पाएगी? लेकिन अभी के लिए चलिए रॉनी की तरफ से वो पहला नॉक ड्रीम्स का हमें देखने को मिल चुका और धीरे धीरे करके अब 4MF के एक और प्लेयर डाउन, एक और प्लेयर घुटनों पे और एट लास्ट रॉकस्टार गॉड को भी फिनिश ऑफ करके इस मैच से बाहर भेजा जा चुका है टीम आईक्यू सोल की तरफ से। प्लेयर्स को देख लीजिए, चारों यहाँ पे सरवाइव करते हुए दिखाई दे सकते हो और आईक्यू सोल के रॉनी की तरफ से एक प्लेयर को डाउन किया गया एंड फाइनली उसका एलिमिनेशन भी कंफर्म किया जा चुका है। तो थर्ड पार्टी हो सकता है और आपकी टीम का एलिमिनेशन देखने को मिलेगा और कुछ देर पहले हमें देखने को मिला था, लेकिन ये क्या थोड़ा अलग देखने को मिला। WSP आईक्यू सोल के साथ जाके भिड़ गए, रॉनी ने एट लास्ट वहां पे गॉडसी को फिनिश ऑफ किया और उससे पहले भी एक प्लेयर का एलिमिनेशन हमें देखने को मिल चुका था। अब टीम एम्पायर भी ऊपर, यहाँ पे ECPG के प्लेयर्स राइट साइड लेफ्ट साइड में, टीम एम्पायर यहाँ पे लड़ती हुई दिखाई दे रही है और टीम एम्पायर के एम्पायर को आईक्यू सोल के नकुल की तरफ से फिनिश ऑफ किया जा चुका है। एक भी प्लेयर का एलिमिनेशन नहीं हुआ है, 8 फिनिशेस निकाले। टीम एंटिटी पूरी की पूरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे सकती है। जोन पीछे से आएगा, 34 सेकंड्स का वक्त यहाँ पे हो चुका और वो ग्रेनेड सोमराज को डाउन करेगा नकुल का, सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेयर्स। लेकिन टीम VST की भी उनका भी ग्रेनेड आएगा और आईक्यू सोल नकुल को अपने घुटनों में डाल चुका है। रॉनी कोशिश तो पूरी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। राइडन की बात करना चाहते तो देख लीजिए, वो निंजा की तरफ से यहाँ पे गिराए जाएंगे घुटनों पे, उनका भी रिवाइवल हो चुका है। अब रॉनी को डाउन करना पड़ेगा। प्लेयर्स इन्फिनिटी सामने आएंगे, डॉट एच भी दिखाई दे सकते हैं, नॉक किए जाएंगे रॉनी की तरफ से उनको भी। और अब एक लास्ट एंड आखिरी प्लेयर एक्वा नॉक्स का भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिला। पार ऑफ फिनिशर्स टीम आईक्यू सोल अपने खाते में दर्ज कर चुके और सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पे आपको अलाइव दिखाई दे सकते हैं। नकुल के पास एक अच्छा एंगल था, वो हाइट एडवांटेज कहीं ना कहीं था उनके पास और फायदा उन्होंने उठाया। ब्लाइंड आदि के लिए बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन रुद्राक्ष स्पोर्ट जितनी स्पीड के साथ आए थे उतनी स्पीड के साथ इस मैच से बाहर जाते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। चलिए रैम्बो का एलिमिनेशन कंफर्म किया गया, एक और प्लेयर को एलिमिनेट किया गया, 16 फिनिशेस निकाल चुके हैं। और अगर मैं निंजा की बात करना चाहता हूं जिसमें सवाल उठ रहे थे, इस मैच में काफी बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे। इस एडिशन के बाद 6 फिनिशेस उन्होंने खाते में निकाला जरूर है। रॉनी को डाउन जरूर करेंगे, पीछे थे, अंदाजा नहीं था, इन्फो नहीं थी एंड फाइनली रॉनी को ऑन द स्पॉट फिनिश ऑफ किया जाएगा जैसी के द्वारा 4MK। हॉनर ट्राइबल्स यहाँ पे सामने से पुश करने की कोशिश करेंगे, 11 फिनिशेस इन्होंने भी निकाले जरूर है। लेकिन जैसे ही जोन के अंदर जाना चाहते थे बिजली को डाउन किया जाएगा। राइट साइड में नकुल हमें देखने को मिलते हुए दिखाई दे रहे और एक 3v3 का इक्वेशन दोनों टीम्स के बीच में बन सकता है। लेकिन नकुल जिस स्पीड से आगे बढ़े क्या इनका नॉक हमें देखने को मिलेगा, कवर अपने लिए बनाया लेकिन नहीं बच पाएंगे। आर्टो की तरफ से इनका भी नॉक, यशु एंड निंजा के ऊपर पूरी की पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टो के ऊपर बैक टू बैक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, सामने से 4MK प्लेयर्स आएंगे, निंजा की तरफ से फायर किया जाएगा, सामने एक प्लेयर्स डाउन जरूर दिखाई देंगे। जोन के सेंटर में सिर्फ एक मात्र प्लेयर आपको दिखाई दे रहा है, वो कि आईक्यू सोल के निंजा है। और चलिए एक और यहाँ पे नॉक, ब्लाइंड आ देगा 4MK और जैसे ही अब अकेले प्लेयर हैं डाउन करते ही लूसीफर ने उनका फिनिश ऑफ कंफर्म किया है और इनकी HP डाउन है, फर्स्ट एड्स नहीं है, एलिमिनेशन इनका भी अब हमें देखने को मिलेगा। और चलिए टीम 4MK जैसे फिनिश ऑफ हुए उसके बाद डॉक्स भी अब हमें जल्दी एलिमिनेट देखने को मिलेंगे और अब सिर्फ और सिर्फ दो मात्र टीम्स और 2v2 की बैटल। मॉली का इस्तेमाल जरूर किया गया था, आई डोंट नो वो किस प्लेयर की तरफ से किया गया था, किस टीम की तरफ किससे किया गया था, बट अभी के लिए आईक्यू सोल निंजा ने वो नॉक निकाला फिनिक्स का और अब एक अकेला और लास्ट प्लेयर